कक्षा पंचमी चतुर्थ पाठ संस्कृत विषय नैव कलिष्ठा न च कठिना। यहाँ कलिष्ठ शब्द है उसका अर्थ है अशुद्ध। वैसे कलिष्ठ का अर्थ कठिन भी होता है लेकिन इस पाठ में कलिष्ठ शब्द का अशुद्ध के लिए अर्थ किया गया। नैव का मतलब नहीं, कलिष्ठा का मतलब अशुद्ध, अशुद्ध नहीं है, न च कठिना और न ही कठिन है। सूरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव कलिष्ठा न च कठिना। सूरस अच्छे रस उत्पन्न करने वाली, सुबोध अच्छा ज्ञान कराने वाली, बोध का मतलब ज्ञान होता है, विश्व मनोज्ञा विश्व को मन भावने वाली, ललित का मतलब सरल, हृदय का मतलब हृदय को, रमणीया का मतलब अच्छी लगने वाली, अमृतवाणी संस्कृत भाषा न तो अशुद्ध है और न कठिन है। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव कलिष्ठा न च कठिना। कवि कोकिल कवियों में कोयल के समान, वाल्मीकि विरचिता मतलब द्वारा रचित, रामायण रमणीय कथा मतलब सुंदर कथा, अतीव सरला बहुत सुंदर सरल है, मधुर मंजुला और बहुत ही अच्छी है, न तो अशुद्ध है और न कठिन है। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगरमतिता नैव कलिष्ठा न च कठिना। व्यास विरचिता, व्यास जी द्वारा रचित, विरचिता मतलब व्यास जी द्वारा रचित, गणेश लिखिता गणेश जी द्वारा लिखित, महाभारते महाभारत नामक पुण्य कथा मतलब पुण्य कथा, कौरव और पांडव संगरमतिता मतलब युद्ध का मंथन, संगरमतिता मतलब युद्ध के मंथन से उत्पन्न ये जो महाभारत है ये न तो कठिन है और न अशुद्ध है। कुरुक्षेत्र सम्रांगण गीता विश्व वंदिता भगवत गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव कलिष्ठा न च कठिना। कुरुक्षेत्र के सम्रांगण, संग्रामण का होता है युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र के युद्ध में के मैदान में जो गीता है वह विश्व वंदिता है, विश्व द्वारा पूजी गई है, ऐसी भगवत गीता जो मधुर अमृत धारा उत्पन्न करती है और कर्म दीपिका है वह न तो अशुद्ध है और न कठिन है। कवि कुल गुरु नवरसोन मेषजा ऋतु रघु कुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका नैव कलिष्ठा न च कठिना। कवि कुलगुरु का मतलब होता है कालिदास जी के लिए कवि कुलगुरु का, कवियों में जो कुलगुरु श्रेष्ठ था उनके द्वारा जो नए नवरसोन्मेष जा नए रस उत्पन्न करने वाले ऋतु रघु और कुमार नामक के जो नाटक थे कविता थी और विक्रम शकुंतला और मालविका ये कविता थी वह न तो अशुद्ध है न कठिन है। इस प्रकार इस पाठ में संस्कृत भाषा की विशेषता बताई गई है कि संस्कृत भाषा में किस प्रकार रामायण किस प्रकार गीता किस प्रकार कवि का कालिदास द्वारा जो जो रचना की गई थी वह न तो कठिन है और न अशुद्ध है। इस पाठ के आप शब्दार्थ कर लेना, इसके प्रश्न उत्तर नहीं है, अगला वीडियो अगले पाठ का आएगा।